हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रेशियो निकालने हैं, बट यहाँ पे यूनिट सब अलग अलग हैं, तो हमें पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा अपनी फिगर्स को। तो पहला क्या है, 30 मिनट टू 1.5 आवर। अब ये तो ठीक है 30 मिनट्स, अब ये है 1.5 आवर। तो 1.5 आवर मतलब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और हाफ आवर है तो प्लस 30, तो कितने हो गए 90 मिनट्स। तो अब रेशियो क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 90। ये क्या हो गया, 31 30 33 90 1/3, तो इनके बीच का रेशियो हो गया 1:3, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर क्या होगा, अब देखिए 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में क्या होंगे 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। और रेशियो निकालना है 40 और 1.5 में, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 150। 0 से 0 कट हो गया, तो ये हो गया 4/15, तो आंसर हो गया 4:15। अब यहां पे हम अगर 40 और 1.5 मीटर है, 40 सेंटीमीटर है 1.5 मीटर है, अगर हम इसे चेंज नहीं करते रेशियो में इसकी यूनिट्स को, तो क्या हो जाता 40:1.5, जो कि कितना डिफरेंट है इससे। इसलिए हमेशा यूनिट सेम करनी है। यहां सेंटीमीटर है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या इसको भी हम 40 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 55 पैसा टू 1 रुपी। अब ये दोनों यूनिट भी अलग अलग है तो हम एक को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 रुपी को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपी इक्वल टू क्या होता है 100 पैसे, तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 55/100। अब ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 1 5 5 2 10 और 0 एज इट इज आ गया, तो ये हो गया आपका 11/20। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया 11:20, किसके बीच में रेशियो है 55 पैसा और 1 रुपी के बीच में रेशियो हो गया 11:20 का। नेक्स्ट है 500 ml to 2 liter। अब यहाँ पे भी मेजरिंग यूनिट अलग अलग है तो हम चेंज कर लेंगे, तो लीटर को चेंज करते हैं, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml, तो 2 लीटर क्या हो गया 2000 ml, तो रेशियो किसके बीच में निकालना है हमारे को 500 ml और 2 लीटर, और 2 लीटर क्या है हमारा 2000 ml है, तो ये हो गया 2000। 0 00 00 से कट गए, 5 1 5 5 4 20, तो 1/4, तो दैट मींस रेशियो हो गया 1:4। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अच्छा लगे तो आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।